Hey everyone, welcome back to my channel Neha Beauty Care. आज की वीडियो है सुपर डुपर अफोर्डेबल वीडियो. आज की वीडियो में मैं मेकअप किट लेकर के आई हूँ जो कि अंडर 50 रुपीज है. सारे के सारे प्रोडक्ट मैंने यहाँ 50 रुपीज के अंदर लिए हैं. एक दो प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है, 10-15 रुपए. बाकी के सारे प्रोडक्ट जो है अंडर 50 रुपीज ही है. क्या है ना कि 50 रुपए के अंदर मेकअप प्रोडक्ट ढूंढना, कलेक्ट करना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि प्रोडक्ट ना अच्छे भी होने चाहिए, ब्रांडेड भी होने चाहिए. क्योंकि अगर हम उस मेकअप को अपने फेस पे अप्लाई करें तो कहीं उससे कुछ मतलब हमारा स्किन खराब ना हो जाए. इसलिए मेकअप प्रोडक्ट ऐसे भी लाने हैं जो कि ब्रांडेड हो, अच्छे हो, ट्रस्टेबल हो और साथ ही और हमारे बजट के अंदर भी आते हो. तो एक दो चीज़ों में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज सारी की सारी चीज़ें 50 रुपीस के अंदर ही मिल गई हैं मुझे. और मैं बता दूं आपको कि ये जो मेरा मेकअप लुक है ये मैंने इसी मेकअप किट से क्रिएट किया है. तो आप देखो ना वीडियो बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है. मैंने अपने घर का फैन कूलर सब कुछ ऑफ करके रखा हुआ है, मुझे कितना पसीना हो रहा है. और आप प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ. तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे. तो चलिए फटाफट से अपनी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. जब हम मेकअप की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें मॉइस्चराइजर चाहिए होता है, क्योंकि मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ही जरूरी होता है जिससे कि हमारा जो मेकअप है इजिली ब्लेंड हो जाता है. तो मेरे पास यहाँ मॉइस्चराइजर के लिए दो दो ऑप्शन अवेलेबल है. पहला है लैक्मे पीच मिल्क और दूसरा है निविया का क्रीम. लैक्मे पीच मिल्क जो है 25 ग्राम इसकी क्वांटिटी है, 45 रुपीस का है ये. और ये निविया का क्रीम है ये जो, ये 19 ml है 19 ग्राम का और इसकी प्राइस है 35 रुपीस. ये दोनों के दोनों जो मॉइस्चराइजर हैं बहुत ही अच्छे हैं. ये जो ऑयली स्किन वाले वो अप्लाई कर सकते हैं और ये ड्राई स्किन वाले अप्लाई कर सकते हैं. दोनों ही स्किन टाइप के लिए हमारे पास ऑप्शन है. मॉइस्चराइजर के बाद जो सेकंड चीज आती है हमारे फेस पे बेस के लिए अप्लाई करने के लिए वो है प्राइमर. तो 50 रुपीस के अंदर प्राइमर मिलना तो बहुत ही मुश्किल है. तो मैंने ये एलोवेरा जेल लिया है जो कि पतंजलि का सौंदर्य एलोवेरा जेल है. ये है 45 रुपीस का. तो प्राइमर की जगह हम एलोवेरा जेल को यूज करेंगे. नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है हमारा फाउंडेशन. तो यार 50 रुपीस के अंदर कोई भी फाउंडेशन मुझे नहीं मिला, तो मैंने ये फेयर एंड लवली का बीबी क्रीम लिया है जो कि 40 रुपीस का है. और इतना छोटू सा है ये बीबी क्रीम कॉम्पैक्ट पाउडर की. तो मैंने यहाँ ब्लू हेवन का ये वाला कॉम्पैक्ट लिया है जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है. और ये कॉम्पैक्ट पाउडर यार बहुत ही अच्छा है. इसकी ना कवरेज भी बहुत अच्छी है. बट ये ना थोड़ा सा हमारे बजट को क्रॉस करता है. ये कॉम्पैक्ट पाउडर पड़ता है 75 रुपीस का, बट शॉप वाले ने मुझे इसे 70 रुपीस में दिया था. ये मैंने लोकल शॉप से लिया था और ये मुझे 70 रुपीस का पड़ गया, यानी कि 20 रुपीस ज़्यादा हमारे मेकअप किट से. तो यार कुछ चीज़ें अगर अच्छी चाहिए और जिससे हमारा स्किन भी ख़राब ना हो तो थोड़ा सा तो हमें आगे पीछे जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम अपने स्किन के साथ गलत नहीं कर सकते. सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत ही अच्छी दिखाई है. और ये कॉम्पैक्ट पाउडर हो गया. के बाद ना हम आते हैं ये काजल की तरफ. ये काजल ना 30 रुपीस का है और अगेन ये काजल ब्लू हेवन का है और 30 रुपीस का है. उसके बाद हम आते हैं ये वाइट काजल पेंसिल की तरफ. ये काजल पेंसिल है स्विस ब्यूटी की और ये देखो ये काजल है स्विस ब्यूटी की और व्हाइट काजल है. ये है 40 रुपीस की. प्रोडक्ट है हमारा ये ब्लू हेवन का आईलाइनर. ये आईलाइनर है 60 रुपीस की और ये कुछ इस तरीके का है. और आईलाइनर भी ना बहुत अच्छा है. मैंने अभी यही वाला आईलाइनर अप्लाई किए हुए हैं. ये 60 रुपीस का आईलाइनर है, अगेन हमारे बजट को क्रॉस करता है.
फिर नेक्स्ट आता है हमारा मस्करा, ये है अगेन ब्लू हेवन का मस्करा है जो कि 60 रुपीज का है और ये मस्करा कुछ इस तरीके का दिखता है। मैंने यही मस्करा भी अप्लाई किए है, ये 60 रुपीज का मस्करा है, बट थोड़ा सा ये अपने प्रोडक्ट की लिमिट को क्रॉस कर रहा है। बट यार सारे के सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, हमें अपने स्किन पे फेस पे अप्लाई करना हो तो करना पड़ेगा, थोड़ी सी चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं। ये पफ मेकअप बेस को ब्लेंड करने के लिए है 40 रुपीज का, मैंने ये लोकल शॉप से ही लिया है। फिर ये हमारा आता है वी शेप, ये कॉन्टोर और हाइलाइटर स्टिक दोनों है, ये 100 रुपीज की मिली है मुझे, ऐसे ही हमारे लोकल शॉप से ली है मैंने, ये मुझे 100 रुपीज की मिली है और जिसमें कि हाइलाइटर और कॉन्टोर दोनों ही आता है। अब तो ये 100 रुपीज की है तो 50-50 रुपीज आप डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि ये रहा कॉन्टोर स्टिक और ये रहा इसका हाइलाइटर। देख सकते हो कि हाइलाइटर कितना पिगमेंटेड है, और अब जितना पैसा डालोगे ना चीजें उतनी ही अच्छी मिलेगी ना, तो वैसे भी ये हमारे बजट के अंदर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, 100 रुपीज के अंदर है यार। आप 50 रुपीज कॉन्टोर के ले लो और फिर 50 रुपीज हाइलाइटर के ले लो। नेक्स्ट हम ना आई शैडो की तरफ चलते हैं, तो ये है आई शैडो, ये ना मैंने मीशो से मंगवाया था ये आई शैडो, और ये आई शेडो मैंने मीशो से मंगवाया था, ये मुझे पड़ा था 65 रुपीज का ये पूरा का पूरा आई शेडो, जिससे कि मैंने ये जो ऑरेंज वाला कलर है वो मैंने अपने आई शेडो पे अपने मतलब आंखों पे अप्लाई किया हुआ है, ये ऑरेंज वाला ही सेट है, ये मुझे 65 रुपीज का मिला मीशो से। इसमें ढेर सारे कलर है और आईब्रो सेट करने के लिए ना मैंने इसमें से ही, मतलब ये 65 रुपीज का तो है बट इसमें से ना आईब्रो भी मैंने, ये जो ब्लैक कलर है इससे मैंने मेरा आईब्रो सेट कर लिया, और ये जो पिंक कलर है इससे मैंने मेरा ब्लश लगा लिया, और आई शेडो पैलेट तो है ही है, तो इससे ना मैंने ढेर सारे काम किए इस सिर्फ एक आई शेडो पैलेट से। नेक्स्ट बारी आती है ना लिपस्टिक की आती है, तो लिपस्टिक ना ये माई ग्लैम की लिपस्टिक है, ये 3 लिपस्टिक की सेट है, इसका कॉस्ट ना 349 रुपीज का है, बस ट्रस्ट मी गाइज ये मुझे ना 150 रुपीज में ये लिपस्टिक मुझे मिल गई, और इसमें ना 3 लिपस्टिक की सेट है ठीक है, और ये मुझे 150 रुपीज में मिल गई है। आप ना माई ग्लैम की साइड से इसे जब परचेस करने जाओगे तो ऐसे ऐसे तो आपको इस प्रोडक्ट पर डिस्काउंट मिलेगा हमेशा हमेशा, कि ये 349 की लिपस्टिक है ना, तो ये आपको 249 या 200 के अंदर ही इसका प्राइस रहेगा। उसके बाद ना आप ना मेरा कूपन कोड डाल देना, जिसे ना मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में मेंशन कर दूंगी, आप ना कूपन कोड डालना, उसके बाद उसको ना आपको ना और डिस्काउंट मिल जाएगा। माई ग्लैम की साइट पे ना बहुत सारे कूपन कोड होते हैं जहां से आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे कि आपको ये लिपस्टिक कम से कम दाम में मिल जाएगी। ऐसा क्या होता है ना, प्राइजेस जो है ना वो हमेशा फ्लक्चुएट होते रहते हैं, अप एंड डाउन चलते रहते हैं प्राइजेस में, तो कभी आपको यही चीज 200 की मिलेगी, कहीं कभी आपको 245 की मिलेगी, कभी ये आपको 145 की ही मिल जाएगी। तो आप चेक करते रहना माई ग्लैम से, आपको लिपस्टिक जरूर मिल जाएगी, सारी के तीनों कलर ना बहुत अमेजिंग है। अब ये 150 की मुझे मिली है ना, तो एक लिपस्टिक ना मुझे 50 रुपीज की पड़ी, और कलर देख लेते हैं, ये ना थोड़ा सा ना ये रेड मैरून, मतलब थोड़ा सा ना ये रेड मैरून टाइप का कलर है, और ये ना पिंक कलर है, ये जो पिंक कलर है ना ये अभी मैंने ही मैंने अप्लाई किया हुआ है, ये वाला जो कलर है ये मैंने अभी अप्लाई किया हुआ है, और उसके बाद ये आता है मरून कलर है, ये ना मरून कलर है, ये ना रेड कलर है, ये पिंक कलर है, ये मरून कलर है। बारी आती है सबसे लास्ट मेकअप सेटिंग स्प्रे की, तो 50 रुपीज के अंदर मुझे कोई मेकअप सेटिंग स्प्रे नहीं मिला, सब ना लिमिट के क्रॉस को भी क्रॉस कर दे रहे थे, इतने ज्यादा कॉस्टली थे, तो इसलिए मैंने मेकअप सेटिंग स्प्रे नहीं रखा है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आप मेरी मेहनत तो देख ही सकते हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली में वीडियो को शेयर भी करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।